problem. Discuss the convergence of the series. Discuss the convergence discuss the convergence of the series discuss the convergence of the series 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to so on. तुम nth term इसका बोल सकते हो 1 2 2 3 3 4 तो nth term पर जाएंगे तो 1 upon n into n plus 1 plus up to so on. ये एक इनफाइनाइट टर्म की सीरीज दी गई है. कह रहे हैं आप इसके बारे में डिस्कशन कीजिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी. जवाब बड़ा साफ सुथरा है. पहले हम लोग सीक्वेंस SN बना ले. सीक्वेंस SN यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंसी देख ले. अगर वो कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी. लिखना सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सबसे पहले nth टर्म देख लेना. हियर un इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. ठीक इज इक्वल टू इसको ब्रेक करो जैसे लास्ट टाइम में ब्रेक किए थे. अगर हम करें 1 अपॉन n और 1 अपॉन n प्लस 1 करें तो रिमाइंडर जो आएगा, सॉरी रिमाइंडर कह रहे हैं, एलसीएम जो आएगा वो n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो n से n कटा, n प्लस 1 ऊपर गया, ऊपर 1 ही बचना चाहिए तो यहां माइनस n हो जाना चाहिए था. इसका मतलब यह हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस. चेक करो सेम, इधर आएगा n प्लस 1, यहां आएगा माइनस n, प्लस n से माइनस n कटा, ऊपर बचा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. अब u1 u2 u3 करते करते un तक n लोगों को जोड़ दो, sn आ जाएगा. लिखना नाउ u1 u1 इज इक्वल टू n बराबर 1 पुट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2. u2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3. u3 is equal to 1 upon 3 minus 1 upon 4. और इस तरीके से ये चलता रहेगा. लास्ट में un is equal to 1 upon n minus 1 upon n plus 1. लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दो, राइट का राइट, तो ये हो जाएगा sn. sn का मतलब समेशन u i i वेरी फ्रॉम 1 टू n is equal to, देखना 1 upon 2 से 1 upon 2 कैंसिल, 1 upon 3 से 1 upon 3 कैंसिल, 1 upon 4 से इधर कोई 1 upon 4 आया होगा वो कैंसिल. इसके जस्ट ऊपर वाला पढ़ो un minus 1, तो क्या होगा 1 upon n minus 1 minus 1 upon n, 1 upon n से 1 upon n कैंसिल, और ये जो आगे बैठा है 1 upon n minus 1 अपने से ऊपर वाले से कैंसिल होगा. तो मेरे ख्याल से केवल पहला और लास्ट यही बचेगा. तो ये आया दिस इज इक्वल टू 1 यहां से और माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मेरा बन चुका है. Therefore, sequence of partial sum SN is equal to sequence जिसका nth term है 1 minus 1 upon n plus 1. बस इसकी कन्वर्जेंसी देख लो, काम खत्म हो जाएगा. This implies that limit n approaches to infinity SN is equal to limit n approaches to infinity 1 minus 1 upon n plus 1, result will be 1. Implies that sequence of partial sum SN is convergent. ठीक, so given series, so given series is also convergent. अच्छा पता है ये sequence कहाँ converge कर रहा है? 1 पर. दी गई series भी कहाँ converge करेगी? 1 पर ही करेगी, ऐसा नहीं कि अलग कर जाएगी. रीजन सुनो इसका मतलब क्या है. जब हम कहते हैं ना SN, वो भी SN का बिहेवियर तब देख रहे हैं जब N अप्रोच कर रहा है किस पर, इंफिनिटी पर. इसका मतलब ये है कि हम बिहेवियर देख रहे हैं S1 plus S2 plus S3, ये nth टर्म है तो चलते चलते so on plus कितना हुआ, SN हुआ, तो ये n टर्म तक का तो जोड़ हो गया. लेकिन जब आप इस पर लिमिट भरते हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू कितना गया, इंफिनिटी, तो मतलब ये रुक नहीं रहा. ये SN जो है वो कहां तक रन कर रहा है, इंफिनिटी तक. तो S1 का मतलब है U1, S2 का मतलब U1 plus U2, फिर ये कौन है U1 plus U2 plus U3, so on. ये पूरी infinite series कहाँ पर converge कर रही है, 1 पर. Main series कहाँ converge कर रही है, 1 पर converge कर रही है. लिया हुआ किसका? हाँ
हाँ यही कहा जाएगा। कन्वर्जेंसी का मतलब ही वही होता है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है। भाई सीरीज आपने लिख दी तो आप कर क्या रहे हो, पहले टर्म में दूसरा टर्म जोड़ रहे हो, दूसरे में तीसरा जोड़ रहे हो, फिर इन सबको आपस में जोड़ रहे हो, तो इनका जोड़ बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए, मतलब इनका सम आप निकालने के लिए आगे बढ़ो तो पता चल रहा है प्लस इंफिनिटी भाग रहा है। तो इसका मतलब सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। लेकिन आप इनको जोड़ रहे हो जोड़ रहे हो जोड़ रहे हो, लेकिन टर्म तो इनफाइनाइट है, खत्म तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लग जाएगा कि भैया जब सब लोग जुड़ेंगे भी ना तो कितना आएंगे। जैसे अगर एल आ रहा है, सीरीज अपनी एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है जिस दिन पूरी इनफाइनाइट टर्म की सीरीज जोड़ी जाएगी उस दिन लगभग कितना आएगा, एल आएगा। क्लियर हुआ, यही मतलब होता है इसका, नोट कर लो। So that द सीरीज समेशन एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस टू, ठीक, कन्वर्जेस टू 3/4। कह रहे हैं आप दिखाइए कि ये सीरीज 3/4 पर जाकर के कन्वर्ज करेगी। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में सबसे पहले ना इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, ठीक, देखो कितना आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2 है, n प्लस 2 होगा, n प्लस 2 और फिर प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस, वो अप्लाई कर दो ना एवरीवेयर बट नॉट देयर, हो गया है कितना टूटेगा 1/2 हो गया है ना, तब ठीक है यार, तब बिना मतलब लिख दिए 3/4 ये आंसर आया था, तब ठीक है। अरे तब बिना मतलब हो गया, तो ये हो चुका है। अच्छा ये हुआ है, हाँ ये भी हो गया, अभी 1/n इंटू n प्लस 1 जिसमें लिए हुए थे ये नहीं हुआ होगा पक्का, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है शो दैट द सीरीज, शो दैट द सीरीज, शो दैट द सीरीज समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक, कन्वर्जेस टू 1/4, कन्वर्जेस टू 1/4, ये 1/4 पर कन्वर्ट करती है। पार्शियल फ्रैक्शन में वो अप्लाई कर दो एवरी वेयर बट नॉट देयर, याद है भूल गए, उसी को अप्लाई करके इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। क्या किए थे, जब नीचे वाले फैक्टर लीनियर हो तो जितने हैं उतनी बार रिपीट करें इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, ये रहा प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, फिर प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, 3 बार इसको रिपीट कर दिया। अच्छा अब उसके बाद यहां से n बराबर कितना मिलेगा, 0, जहां से मिला है वहां ना रखो बाकी सब जगह पर रख दो, यही तो काम किए थे पहले वाले फैक्टर में, तो n बराबर 0 n बराबर 0 कितना आया, 2 आया, सही याद आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 2 n, क्लियर हुआ। अच्छा यहां से मिलेगा n+1 बराबर 0, तो n = -1, -1 मिला ना, तो अब दूसरे में आओ, जहां से मिला है वहां मत रखना बाकी दोनों जगह पर रख दो, तो -1 रखोगे तो +1, और यहां से -1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया। अच्छा यहां से -2 मिलेगा, अब तीसरे वाले में आना, यहां -2 मत रखना वरना 0 हो जाएगा, यहां रख दो -2 + 1, -1 और यहां से -2, -1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 2, चेक कर लो इसको एक बार, कौन सा इसमें, अच्छा -2 यहां से माइनस प्लस, चेक कर लो एक बार यही आएगा कि नहीं आएगा, चेक करें, 2 2 दूनी 4 इधर से आ गया 4, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हुआ, तो 2n और यहां से कितना 4n, 2 बचा, तो 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, ये रहा, n+1 से n+1 कट गया, -4n इंटू n प्लस 2, इसके बाद 2 से 2 यहां से और n+2, n इंटू 2n n+1 प्लस 2n इंटू n+1, काट पीट मचाओ, ऊपर 4 बच जाए तो काम सही है,
करें हाँ एन इंटू एन एन स्क्वायर और यहां से टू टू एन स्क्वायर अच्छा यहां से कितना टू एन और यहां से फोर एन प्लस फोर एन फिर इसका करें एन और यहां से कितना टू एन प्लस टू एन और दो एक के दो दो दुनी चार प्लस फोर अगले वाले में देख लें फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस एट एन प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन देखो 2n स्क्वायर यहां से 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर खत्म हो गया 4n 4 दो 6 6 दो 8 ये पूरा पूरा कैंसिल आउट 4 बचा और ये 4 से 4 कैंसिल आउट 1 अपॉन n n प्लस 1 n प्लस सही है तो अपने पास मिला सॉल्यूशन में un इज इक्वल टू ब्रेक किया जाए पहले तो इसको लिख लें 1 अपॉन n इनटू n प्लस 1 n प्लस 2 ठीक दिस इंप्लाइज दैट un is equal to कितना टूटा है 1 upon 2n 1 upon 2n minus 1 upon n plus 1 और फिर plus 1 upon 2 into n plus 2 ये याद तो रहेगा ना everywhere but not there धन्यवाद फिर अगर याद रहे तो बस वही काम इसमें भी अब शुरुआत करो n बराबर 1 2 3 4 रखते जाओ और देखो n तक का जोड़ कितना आएगा ये सब मिटा देना चलो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए चाहो ना तो 1 बाई 2 को बाहर निकाल लो ना यानी दिस इंप्लाइज दैट यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल ले अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 और फिर प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 चलो अब u1 रखो नाउ u1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 2 ठीक इसके बाद फिर कितना प्लस सही चल रहे हैं 1 अपॉन 3 ये रहा एक काम और ना किया जाए सुनो ये कितना है 2 अपॉन n प्लस 1 ना तो 2 अपॉन n प्लस 1 है माइनस साइन के साथ इसको दो हिस्से में ब्रेक कर दें एक कर दें माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 पहले वाले के साथ और एक कर दें माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 दूसरे वाले के साथ तो दो का पैकेट यहां पे दो का पैकेट यहां पे बन जाएगा समझ पाए कुछ और कटने पिटने में आसानी होगी कर दें यही बगल में लिख दें यहां पे बैलेंस कर लेंगे यानी हम ये चाहते हैं कि हम इसको लिख दें दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन कितना n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ये पैकेट यहां बना लें अच्छा एक माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 है तो एक काम करो ना यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 ये रहा सहमत हो हम इसको मॉडिफाइड कर लेंगे उसी हिसाब से u1 बराबर दिस इंप्लाइज दैट u1 इज इक्वल टू अब यहां से लिख रहे हैं 1 अपॉन 2 बाहर ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 ठीक माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 ये रहा u2 लिख लो इसी तरह u2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर ब्रैकेट के अंदर में 2 रखो तो ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 ठीक एक और u3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस बाहर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 ठीक चलते चलते इस तरीके से सो ऑन un is equal to 1 upon 2 ब्रैकेट के अंदर में कितना जाएगा 1 upon n यही 1 upon n minus 1 upon n plus 1 फिर minus 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 लो भैया अब काट पीट मचाओ पूरे को जोड़ो लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट sn is equal to summation
यू एन आई वेरी फ्रॉम 1 टू एन इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन के साथ, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस साइन के साथ, भाई पूरे में से 1 बटा 2 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, तो ये पूरा पैकेट इस पूरे पैकेट का हो जाएगा, सहमत हो? 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 4 नेगेटिव के साथ, 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 4 पॉजिटिव के साथ, ये पूरा पैकेट इससे उड़ जाएगा, तो ये वाला कहीं यहां उड़ जाएगा तो ये भी तो कटेगा, तो ये वाला अपने से पहले वाले से उड़ जाएगा, जो बचा उसको कॉमन कर लो, तो SN इज इक्वल टू, पहले तो 1 बाई 2 पूरे में से कॉमन है, 1 अपॉन 2 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर में कितना बच रहा है भैया, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 यानी 1 बाई 2, तो इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 2, ठीक, इसके बाद फिर माइनस अगला कौन बच रहा है, 1 अपॉन एन प्लस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2, ठीक, बस लिमिट अप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn is equal to limit n approaches to infinity, 1 by 2 को अंदर भेजने इसी समय, 1 by 2 अंदर गया तो ये हो गया 1 by 4 minus 1 upon 2 bracket के अंदर में 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2, ये तो पता है लिखने की जरूरत नहीं, ये कितना जाएगा 0, ये कितना 0, पूरा 0, बचा कितना 1 upon 4, this implies that sequence Sn converges to 1 upon 4, this implies that given series also convergent CGT at 1 upon 4, इतने पे लाना था, हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा ऐसा नहीं कि जिसको यहां पर कर रहे हैं वो यहीं से होगा, आगे जो टेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी ये काफी आसानी से लग सकते हैं, अब आराम से लिख लो तब आगे बढ़े, लिखें प्रॉब्लम show that the series summation n vary from 1 to infinity 3 by 4 to the power n minus 1 converges to 4, सीरीज है 3 बाई 4 टू दी होल पावर एन माइनस 1, और ये कह रहे हैं कि ये सीरीज 4 पर कन्वर्स करती है, ऐसा दिखाइए, एन टर्म तक लेकर के चले जाओ बस, खाली लिखते रहे हम भी थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन हियर, यू एन इज इक्वल टू 3 by 4 to the whole power n minus 1, nth term तो यही है आपका, तो Sn क्या होगा, Sn is equal to u1 plus u2 plus u3 plus so on plus un, that is equal to n बराबर 1 रखो तो 3 by 4 to the whole power 0 plus 2 रखो तो 3 by 4 to the whole power 1, 3 रखो 3 बाई 4 टू दी होल पावर 3 रखेंगे तो 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 बाई 4 टू दी होल पावर n माइनस 1, यानी एक्चुअल में Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 बाई 4 टू दी होल पावर n माइनस 1, कौन है ये, GP ऑफ n terms, GP with n terms, GP with n terms and common ratio कितना है 3 by 4, तो बस इनका सम निकाल लो, this implies that Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, तो a कितना हो गया 1 into 1 माइनस आर टू दी पावर एन, आर कितना है 3 बाई 4 टू दी होल पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 3 बाई 4, दिस इज इक्वल टू
चार एक के चार और तीन कम एक बटे चार ऊपर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1 − 3/4 to the whole power n। लिमिट अप्लाई कर दो, काम खत्म। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 × 1 − 3/4 to the whole power n। मेरे को पता है 3/4 एक से कम है, एक से कम चीजों की पावर बढ़ाने पर वो और छोटी होती जाती है, तो ये कहां से कूड़ेगा, जीरो पर, तो बचेगा केवल कितना 4। यानी दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn कन्वर्जेस टू 4 इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज, या छोड़ो लिख देते हैं सीरीज, समेशन 3/4 to the whole power n − 1 n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कन्वर्जेस टू 4, ये सीरीज भी 4 पर कन्वर्जेंट होगी। ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, नहीं अभी टेस्ट कहां, बिहेवियर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, बिहेवियर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक, जो आपकी जीपी होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि वो कब कन्वर्जेंट होंगी कब डाइवर्जेंट होंगी। ठीक, इसमें लिखना सीरीज को सबसे पहले लिख दो 1 + x + x² + x³ + up to so on + infinity तक जाएगी। अरे वो प्लस इंफिनिटी मतलब ये चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी, छोड़ दो ऐसे x^n + up to so on। इनके बिहेवियर की बात करें कि ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट, इसमें सबसे पहला केस लिखना, केस फर्स्ट। पहला केस ये है कि जब आपका x ग्रेटर देन कितना हो, 1 हो। x कौन है, चाहे को कॉमन रेशियो, अभी तो यहां कॉमन रेशियो है x, ठीक है, लेकिन वैसे आप देखो तो 1 + x + x² + x³ + up to so on में ये जो x आपका है ये आपका सेकंड टर्म है, ठीक, और वही सेकंड टर्म आपका क्या बन चुका है, कॉमन रेशियो बन चुका है। करें जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, उस बिहेवियर की चर्चा कर रहे हैं। लिखना इसमें Sn इज इक्वल टू, तो इसमें शुरू के n टर्म का सम Sn इज इक्वल टू 1 + x + x² + up to so on + x^n कितना n, और इसका सम हम लोग जानते हैं क्योंकि केवल n टर्म तक का सम आ रहा है, तो ये होगा a × r^n − 1 / कितना r − 1। अब r बराबर कितना रखेंगे, x रख देंगे, तो रख दो दिस इज इक्वल टू a × x^n − 1, लेकिन a बराबर कितना है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना x − 1, यहां पर वेयर x इज कंफर्मली ग्रेटर देन कितना है 1 है। लिमिट अप्लाई कर दो, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x^n − 1 / x − 1, क्या ये तुमको इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नजर आ रहा है कि नहीं, कैसे जाने x ग्रेटर देन कितना है 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर ऊपर वाला कितना हो जाएगा इंफिनिटी, पक्की बात इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, सोच लो तो किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है कि नहीं पहले ये बताओ, नहीं है, किसका, आप समझ में आया ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ऊपर वाला ही केवल इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे वाला आपका एक्स आपका फाइनाइट टर्म है, बस ग्रेटर देन वन है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं लिख सकते, इट इज नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई करो अब इसमें, ठीक, क्या किया जाए फिर आप बोलो, दिस इज इक्वल टू, अगला काम क्या करें, सोचो लिमिट निकालनी है, बाहर करें 1/x को,
ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ले, ये डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएं, तो लिमिट बोलो। है बड़ा सिंपल, क्या प्लस इन्फिनिटी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, सीधे लिखो डाइवर्जेस। अगर समझ रहे हो तो सीधे लिखो, फिर आगे सॉल्व करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, नीचे वाला फाइनाइट है, नीचे वाला फाइनाइट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे। अच्छा ये किस्सा भले x वेरिएबल के तौर पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन लिमिट किस पर अप्लाई हो रही है, n पर अप्लाई हो रही है, तो ये टुकड़ा तो सेफ बच जाएगा, यानी आप इसको बहुत ज्यादा कर सकते हो, 1/(x-1) को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x टू दी पावर n माइनस वन। और तय बात है ये पूरा टुकड़ा कहां जा रहा है, इंफिनिटी पर जा रहा है, तो दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। नोट करो, दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस SN ठीक इज DGT एंड दिस इंप्लाइज दैट समेशन UN इज DGT। ये बताता है कि दी गई सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। पहला केस निपट गया, केस सेकंड डाल देना जब x इज इक्वल टू वन हो जाए, केस सेकंड ठीक, x इज इक्वल टू वन, इन पर चेक कर लो, तो sn इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस वन, कितनी बार है, नहीं sn में ये टोटल कितनी बार है, n टाइम्स है, तो इसका पूरे का जोड़ कितना आएगा, n आएगा। ये यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, अगर ध्यान दो तो, तुम लोग भी नहीं ध्यान दिए, हम भी नहीं ध्यान दिए, sn में मैंने यहां x की पावर n तक ले लिया है, n माइनस वन तक ही तो जाना था मुझको, क्योंकि पहला टर्म तो x की पावर जीरो है ना, लिख दे, बाकी और नहीं बदलना, बाकी सब ठीक है, ठीक बाकी सब ठीक है, क्योंकि n टर्म तक के जोड़ में पावर n ही चढ़ेगी। sn इज इक्वल टू दिस, ये कितना आया n, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sn इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity n that is equal to infinity implies that sequence sn is DGT and this implies that summation un is divergent। यहां पर सीरीज भी आपकी कैसी होगी, DGT। तो जब तक x greater than 1 होगा, equal to 1 होगा, तब तक सीरीज क्या बनी रहेगी, divergent। तो हम इसको बाद में कंबाइंड करेंगे अभी, कि whenever x greater than or equal to 1 ज्योमेट्रिक सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। अब बचा केवल x इज इक्वल टू वन पर। बांटना चाहे ना, अभी दो पे और बांट दो, माइनस वन से वन के बीच में, अभी ये भी बांट दे रहे हैं ना, उस पर भी देख लेते हैं, ये इतना लिख लो तो मिटाया जाए। आयुषी मिटा दे पूरा, याद रखना किन पे डीजीटी जा रही है, फाइनल अभी कंबाइंड करेंगे। केस थर्ड लिखना, x ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन प्लस वन, केस थर्ड। तीसरा केस जिसमें x ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन प्लस वन, ठीक, इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब यह है कि दैट इज अर्थात मॉड ऑफ x इज लेस देन वन, तभी तो ऐसा होगा। जो वैल्यू x की दी गई है उसका मॉड्यूलस अगर एक से कम हो तो वो माइनस वन से प्लस वन तक के बीच बैठ रही है, तो अब इस पर बिहेवियर देख रहे हैं। इस पर देखना दो बातें हैं, यहां पर एक बातें हैं कि ये पॉजिटिव दायरे में केवल आप x लेस देन वन पर सोचो, लिखना इफ यदि x लेस देन वन, दिस इंप्लाइज दैट sn, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है sn इज इक्वल टू वन प्लस x प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर n माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू जोड़ कितना था, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स, यही आया था, लिमिट अप्लाई करो, तो देयरफॉर इसलिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन ले लो इसका, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या क्या करोगे,
अभी थोड़ी देर पहले नहीं कर रहे थे मेरे कहने से, अब कर रहे हो ना। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन अपॉन वन माइनस एक्स ये वाला टूटेगा, और माइनस क्योंकि ऊपर वन माइनस एक्स की पावर एन बचना है, तो एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। हाँ है ना, कुछ किया नहीं है, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस एक्स के एन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू, अब तय बात है इस वाले पैकेट के बारे में बात कर सकते हो। सोचो x को आप क्या करो, x लेस देन वन है, हाँ या ना, ये पूरा कहां जाएगा, जीरो पर कन्वर्स करेगा, ठीक, बचेगा केवल वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो आपकी लिमिट आएगी वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस जीरो। यहां पर ऐसे चाहे तो बता सकते हो कि एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x टू द पावर n अप्रोचेस टू जीरो, सिंस क्योंकि x इज लेस देन, तो ये बात बता सकते हो। अब ये बताओ क्या ये फाइनाइट लिमिट है, क्योंकि x तो फाइनाइट ही रहा होगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, फाइनाइट, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज CGT, यानी दिस इंप्लाइज दैट समेशन UN इज CGT, यानी माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में, माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में हम कन्वर्जेंट रहे, ये तय हो गया। अब बचा x इज इक्वल टू माइनस वन, कहां आए वहां पर, अभी माइनस वन पर नहीं आए हैं, किस पर, इक्वल टू माइनस वन नहीं लिखा अभी कहीं बच्चे, अभी वो नहीं लिखा, उस पर माइनस इंफिनिटी डाइवर्स करेंगे। ऊपर ही बता दिया, माइनस वन से वन तक के बीच में है, किस पे, इस पे, इफ एक्स लेस देन वन, नहीं क्या गलत हो रहा है, ऊपर मैंने केस अपना तो बताया ही है, इसके बाद मैंने एक्स लेस देन वन लेकर के चल दिया, अब एक्स लेस देन वन पर बंधा तो वही है, पर कोई दिक्कत तो है नहीं, जन तो वो फर्क कहां आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये लिमिट इतनी ही रहेगी, ये नेगेटिव होगा ना तो यही वाला भी प्लस चढ़ जाएगा, समझ पाए, बस इसीलिए वो उतना, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा अभी हम लोग दो और देख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स लेस देन माइनस वन, प्लस वन के उधर माइनस वन के इधर, दो नेचर इधर देख लेते हैं, एट वन माइनस वन देख लिया, बीच वाले में कन्वर्जेंट आ रहा है अभी तक, देखते हैं फिर क्या इतने पर ही कन्वर्जेंट रहेगा, माइनस वन के पीछे भी कन्वर्जेंट आएगा, मिटाया जाए कुछ, हो गया ना। चलो लिखना कितने केस हुए, तीन, चौथा लिखना x इज इक्वल टू माइनस वन, केस फोर, x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक। तब सोचो अब यहां पर गड़बड़ी होगी, दी गई सीरीज देखना, गिवन सीरीज बिकम्स, हाँ अल्टरनेटिंग बनेगी, गिवन सीरीज बिकम्स बिकम्स, चलो पहला तो वन ही रहा, दूसरा कितना हो जाएगा माइनस वन, तीसरा प्लस वन, फिर माइनस वन, प्लस अप प्लस माइनस अप टू सो ऑन, ठीक। तो Sn अब देखो क्या होगा, Sn देयरफॉर Sn इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अप टू सो ऑन, कहां तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू, बोलो भैया अगर हम n को ऑड लें, अगर हम n को ऑड लें, ऑड का मतलब जैसे केवल एक टर्म देखो तो वन पर कन्वर्स कराए, ऑड लोगे तो गौर करना, प्लस माइनस वन खत्म, वन पर कन्वर्स करेगा, अगर और ऑड लोगे तो फिर देखना ये दो पेयर खत्म, फिर प्लस वन पर, तो हर बार कितना आएगा, वन आएगा जब n इज इक्वल टू कितना होगा, ऑड लोगे, और हर बार ये जीरो आएगा जब n इज इक्वल टू कितना लोगे, इवन, क्योंकि इवन लेने पर प्लस और माइनस वन पेयर बना के एक दूसरे खत्म कर, ये बात समझ आई, तो इसका मतलब अब की बार ना फाइनाइटली ऑक्सिलेट कर रहा है, इसलिए डाइवर्जेंट हो रहा है। एक्चुअली ये जो केस इस तरह से डिस्कस किए जा रहे हैं ना, वो ये साफ सुथरा बता रहे हैं कि क्यों आप डीजीटी कह रहे हो, तो डीजीटी का मतलब दो होता है, या तो प्लस इंफिनिटी भाग जाओ, या तो माइनस इंफिनिटी भाग जाओ, और या तो फाइनाइटली ऑक्सिलेट करो, या तो इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट करो, तो किस केस में आप क्यों डाइवर्जेंट हो रहे हैं वो सारी बात यहां बता दे रहे हैं, क्लियर हुआ।
एन इज इक्वल टू इवन, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस एस एन ठीक ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट फाइनाइटली, और अगर सीक्वेंस एस एन फाइनाइटली ऑक्सिलेट करेगा तो इसका मतलब सीरीज भी क्या करेगी, एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ऑक्सिलेट फाइनाइटली, सीरीज भी मेरी फाइनाइटली ऑक्सिलेट करेगी। पांचवा केस ले, मिटा दे पूरा। केस फाइव, एक्स लेस देन माइनस वन, केस फाइव एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन। अच्छा सुनो, लेस देन माइनस वन है, हम लोग पॉजिटिव पर भी है पढ़ चुके हैं, अगर एक्स माइनस वन से छोटा है तो माइनस एक्स प्लस वन से बड़ा होगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, लिखना दिस इंप्लाइज दैट या देन देन माइनस एक्स इज कंफर्मली ग्रेटर देन कितना, वन, कंफर्मली ग्रेटर देन वन। अच्छा तो कॉमन रेशियो आर बराबर कितना था, माइनस एक्स था, वो भी एक से बड़ा हो गया, लिखना टेक टेक माइनस एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक, बी गेट R is greater than 1। अच्छा अगर R एक से बड़ा हो गया तो this implies that R to the power n कहां जाएगा, infinity पर, कब, as n approaches to infinity। सहमत हो कि नहीं सहमत हो, ठीक, तो ऐसे में Sn का बिहेव देखो, therefore Sn is equal to 1 plus x plus x square plus so on plus x to the power n minus 1 is equal to, कितना था ये, 1 minus x to the power n divided by 1 minus x is equal to, रखो x की वैल्यू 1 माइनस माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस आर, नोट करो। यहां से ना ये दो वैल्यू में टूटेगा, ऑड पर अलग इवन पर अलग, n is equal to even लो, ये even होगा तो minus minus plus, तो 1 plus r to the power, नहीं 1 minus r to the power n, r to the power n divided by 1 plus r, अरे ये minus के ऊपर कोई फर्क नहीं है। अच्छा अगर n is equal to odd होगा तब हाल देखो, odd हुआ तो minus बचेगा, minus minus plus 1 plus r to the power n और divided by ये कितना, फिर से एक बार 1 plus r, क्लियर हुआ। अच्छा अभी गौर करना, R पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, R क्या लिया है, माइनस एक्स, माइनस एक्स से ग्रेटर देन कितना, वन, ये हिस्सा हमेशा कैसा रहा, पॉजिटिव, लिमिट के ऊपर कुछ देख रहे हो, लिमिट कहां जा रही है, ना केवल, फिर गड़बड़ाए, केवल प्लस इंफिनिटी या एक बार प्लस एक बार माइनस, इत्मीनान से सोचो, मिला ना, तो अब की बार ऑक्सिलेट कर रही है लेकिन कैसी, इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट कर रही है। अब गौर करना, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ध्यान देना अगर आप इवन वाले किस्से में करो, इवन वाले में तो आपको पता है आर टू दी पावर एन कहां जा रहा है, इन्फिनिटी, तो यह हो गया वन माइनस इन्फिनिटी, नीचे वाले पर कोई फर्क नहीं है वो फाइनाइट है, वन माइनस इन्फिनिटी का मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी जब n इज इक्वल टू इवन, और यहां से करोगे तो कितना, प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी जब n इज इक्वल टू ऑड, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस sn ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन यू एन इज, जो कन्वर्ज ना करे वही कौन है, डाइवर्जेंट, तो हमारी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। अब हम फाइनल रिजल्ट लिख करके पैक कर देंगे एक साथ,
हेडिंग डाल देना, हेडिंग क्या सीधे लिखना, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इसमें लिखना, जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक। ये जो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी सीजीटी इफ, यदि एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, दैट इज अर्थात जब जब मॉड एक्स लेस देन कितना होगा 1 होगा, ठीक। ये आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, डी जी टी सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगा 1, और यही सीरीज ऑक्सिलेट करेगी फाइनाइटली, ऑक्सिलेट फाइनाइटली, ऐसे लिख दे फाइनाइटली, जब x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1 होगा, माइनस 1 पर ही फाइनाइटली ऑक्सिलेट की हुई है, ठीक। और ऑक्सिलेट में ही एक नेचर निकलेगा, ऑक्सिलेट करेगी इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली कब, जब x लेस देन कितना होगा माइनस 1 होगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट करेगी, मतलब सीधे सीधे प्लस इनफिनिटी दे रही होगी, ठीक। जब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो ऑक्सिलेट करेगी, फाइनाइटली ऑक्सिलेट करेगी, x लेस देन माइनस 1 रहेगा तो आपकी इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट करेगी, और जब मॉड x लेस देन 1 होगा तो उसी दिन ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यही इतना याद रखना है बस, खाली हेडिंग डाल दो, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, अननेसेसरी कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज के कन्वर्ज करने के लिए जरूरी शर्त, ये याद रखना केवल जरूरी है, सफिशियंट नहीं है, मतलब अगर ये शर्त पूरी ना हुई तो सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो मे भी सीरीज कन्वर्ज कर जाए। शर्त होल्ड नहीं होती है, ये शर्त नहीं आती है तो आप सीधे इनकार करो, सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट का मतलब वो ऑक्सिलेट भी कर सकती है, प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी भी जा सकती है, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर ये शर्त हो गई तो आप तुरंत नहीं बोल सकते, अब आप सोचोगे क्या सचमुच आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस शर्त का होना कंपलसरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है। और शर्त क्या है, ये शर्त यह है कि जो आपका nth टर्म है ना उसकी लिमिट आपकी जीरो होनी चाहिए। लिखना, इफ यदि समेशन un, जहां पर n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इफ समेशन un इज कन्वर्जेंट, अगर हमें दी गई सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ nth टर्म un n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां ब्रैकेट में लिखना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट, नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, किसी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए उसके nth टर्म की लिमिट का क्या होना कंपलसरी है, जीरो। लेकिन अगर nth टर्म का लिमिट जीरो आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। प्रूफ देखना फटाफट, प्रूफ चलो, आप ये मान लो अपनी मर्जी से, माना समेशन un क्या है, कन्वर्जेंट है। लिखना, लेट समेशन un n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक, इज कन्वर्जेंट। अच्छा, सबको पता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी SN इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइनाइट।
फाइनाइट, ठीक, एंड यूनिक। एक तो ये लिमिट फाइनाइट आएगी, दूसरी बात क्या आएगी, यूनिक आएगी। यही मान लेते हैं, माना ये लिमिट कितनी आ रही है, अब आपको यही बात साबित कर देना, ये लिमिट कुछ और नहीं बल्कि कितनी होगी, जीरो होगी। यही इतना साबित करना, लिखना, दैट इज, अर्थात दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। ये रहा, चलो इसी एल को निकालते हैं कि एल कितना होगा। सबसे पहले एस एन लिख डालो, पूरा पूरा लिखना। नाउ एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन प्लस यू एन माइनस वन और प्लस कितना यू एन, शुरू के एन टर्म का जोड़। अब आप एस एन माइनस वन लिख डालो, एस एन माइनस वन यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन प्लस यू एन माइनस वन, और यहां से निकाल दो दोनों का डिफरेंस। नाउ एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल और केवल कितना यू एन। सहमत हो कि नहीं? और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन। ये बताओ ये कहां कन्वर्ज करेगा, एल पर, तो ये वाला भी कहां कन्वर्ज करेगा, एल पर, यानी दिस इंप्लाइज दैट एल माइनस एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन, इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू, कंडीशन इज नेसेसरी। एग्जाम कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू है, मतलब लिमिट ऑफ यू एन ये आपका जीरो आ जाए, लेकिन सीरीज आपकी कन्वर्जेंट ना हो, सीरीज आपकी क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए। इसको कैसे दिखाएंगे, एक सीरीज मान लो अपनी मर्जी से, उस सीरीज में आप ये साबित कर दो कि देखो जब हम nth टर्म की लिमिट निकाल रहे हैं तो nth टर्म की लिमिट तो मेरी जीरो आ रही है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो डाइवर्जेंट हो जा रहा है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो जाए तो आपकी सीरीज भी क्या हो जाएगी। प्रूफ नहीं करते भाई, काउंटर एग्जाम्पल दिखाते हैं, यार जो चीजें होनी ही नहीं है उसको प्रूफ क्या करोगे। प्रूफ केवल उन्हीं चीजों को किया जाता है जो अक्षरशः सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, उन्हीं का प्रूफ दिया जाता है। एक आदमी झूठ बोलता है, साबित करो, कैसे साबित करोगे भाई, उसने कहा हमने कल आत्महत्या कर ली थी, मर गए थे, आज जिंदा है, मजाक कर रहा है, सामने वाला झूठ ही नहीं मानेगा ना, सामने लगेगा मजाक कर रहा है, तुम उसको सही मान लिया, तुम खुद ही पागल हो। तो सही उसी बात को साबित किया जाता है जो हमेशा हो रही होती है। देखना, फॉर द कन्वर्स, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ऐसे लिख देना, कन्वर्स, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। टेक, टेक समेशन यू एन, आप सीरीज ले लो, सीरीज क्या ले लो, सबसे फेमस सीरीज हम लोग बीएसएस लेते हैं, वन प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन वन अपॉन रूट एन, यही आप ले लो। टेक समेशन यू एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन रूट एन प्लस अप टू सो ऑन, इसका यू एन बोलो। हियर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन रूट एन, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक, तो ये तो जीरो आ गया, लेकिन अब गौर करना, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो जीरो पर कन्वर्ट नहीं होने वाला, वो जाएगा सीधे सीधे प्लस इंफिनिटी डाइवर्स हो जाएगा। इसके लिए देखना, ये बताओ nth टर्म है इसका वन बाई रूट एन, तो अगर हम यहां पर लिखें वन और यहां लिखें वन बाई रूट एन, तो क्या समझे, वन इज पक्का ग्रेटर देन वन बाई रूट एन, सही है। अच्छा अगला सुनना, यहां लिख रहे हैं वन अपॉन अंडर रूट टू और यहां लिख रहे हैं वन अपॉन अंडर रूट एन, पक्की बात है वन बाई रूट टू इज ग्रेटर देन वन बाई रूट एन, और ये काम ऐसे ही चलता जाए, इधर लिखें वन बाई रूट एन और इधर लिख दें वन बाई रूट एन, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। अब जरा जोड़ो दोनों को, इधर वाला जोड़ोगे तो वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट एन, दैट इज शुरू से लेकर के एन टर्म तक का जोड़, सॉरी हम इसको ऐसा कर देना, वैसे इसको कर दो
एस एन प्लस वन। हाँ है ना भाई, चाहे आप सीक्वेंस एस एन बनाओ चाहे सीक्वेंस एस एन प्लस वन बनाओ, बात तो सही है ठीक। और ये पक्की बात है ग्रेटर देन कितना हो रहा है ये बताओ, एन अपॉन अंडर रूट एन, सही है कि एन प्लस वन अपॉन रूट एन, सोच लो एन अपॉन रूट एन ही होगा। ये कितने टर्म है टोटल, ये पक्का एन है, सही में एन है, वन बाई रूट वन, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट थ्री। तो अगर ये एन टर्म है तो एस एन प्लस वन क्यों लिखवा दिए कुछ भी, ये हो गया एस एन ठीक है, एस एन इज ग्रेटर देन एन अपॉन रूट एन। और ये कौन हुआ, ये हुआ रूट एन का होल स्क्वायर अपॉन रूट एन, दैट इज इक्वल टू रूट एन। अच्छा उधर वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, अगर हम लिमिट निकालें तो लिमिट ऑफ अंडर रूट एन गोज टू प्लस इंफिनिटी, तो ये भी कहां जाएगा। अब वो हंस रहे सोच करके, क्या गलत बात है, नहीं हमने कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगाया, किस पर लगाया, सीरीज पर या सीक्वेंस पर, तब आप बताओ कहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, इफ ए एन इज ग्रेटर देन बी एन एंड बी एन कन्वर्जेस टू फला देन ए एन आल्सो कन्वर्जेस टू फला, याद आया। हाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, माय नेम इज एक्सपीरियंस। आल्सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी अंडर रूट एन इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डीजीटी, तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन यू एन इज डीजीटी। अब सोचो लिमिट आपकी तो जीरो हो रही है, nth टर्म की लिमिट जीरो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये कंडीशन केवल और केवल कैसी है, नेसेसरी सफिशिएंट कहने की गलती कोई इसको ना करे। तो समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी यूएन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un is equal to zero does not implies that summation un is convergent। अच्छा एक और बात लिख लेना, इसका मतलब लिमिट n approaches to infinity un जिस दिन आपकी नॉन जीरो हुई, nth टर्म की लिमिट जिस दिन नॉन जीरो हुई, नेसेसरी कंडीशन नहीं पास हो रही है, तो इसका मतलब है कंफर्मेशन समेशन un is convergent। अब यही इतनी बात याद रखना, ये रहा। चलो तुरंत इस पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं। याद रहेगा समेशन यूएन इज इक्वल टू जीरो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट इट मींस लिमिट ऑफ यूएन कन्फर्मली डज नॉट इक्वल टू जीरो, सीरीज इज कन्वर्जेंट यानी समेशन ऑफ सॉरी लिमिट ऑफ यूएन कन्फर्मली जीरो। प्रॉब्लम लिखना, अब प्रॉब्लम समेशन यू एन एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी इज इक्वल टू समेशन टू की पावर एन अपॉन अंडर रूट फोर टू दी पावर एन प्लस वन, एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी सीजीटी और डीजीटी, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आप पता है कन्वर्जेंट होगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप डीजीटी के ही नेचर में इस टेस्ट से कुछ बोल पाओगे। तो आप पहले ना लिमिट ऑफ यूएन निकाल दो, सॉल्यूशन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी टू की पावर एन अपॉन अंडर रूट फोर टू दी पावर एन प्लस वन, ये हाँ। क्या 4 टू दी पावर एन को कॉमन कर ले, 4 टू दी पावर एन को कॉमन कर ले, लगा दो, किसने मना किया है, आप तो लगा सकते हो ना, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी ना, लिख देना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। लेकिन गौर करो क्या लगाने का कोई फायदा मिलेगा भाई, एन बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब जाकर के भला होगा, तो करो ही मत ना, नीचे से कॉमन कर लो 4 टू दी पावर n, एक्चुअली ये है 2 टू दी पावर 2 n, आया ना। तो इसको आप लिख लो, छोड़ो जाने दो, लिमिट n अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी, वैसे लिखा भी रहेगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं है तो वही ना। हाँ, तो अभी उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिस दिन अच्छे दिन आएंगे उस दिन आप लग जाएंगे अंडर रूट 2 की पावर 2n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। भाई ये 2 की पावर 2n बाहर आएगा तो केवल 2 की पावर n बाहर आएगा, और यहां बना अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 4 टू दी पावर, ये कैंसिल आउट हो गया की बात है, ये कितना जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नेसेसरी कंडीशन डज नॉट होल्ड, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज dgt n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। कुछ जरूरत ही नहीं है कन्वर्जेंसी वगैरह देखने की, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। मुच हो गया, लिखना समेशन n vary from 1 to infinity un is equal to summation n vary from 1 to infinity n to the power 1 upon n convergent or divergent। limit apply karo, likhna solution limit n approaches to infinity un is equal to limit n approaches to infinity n to the power 1 upon n। क्या है infinity to the power 0 लग रहा है? कितना दें बोलो? This is equal to e to the power में लेके चले जाओ ना, limit n approaches to infinity वैसे निकाले हैं sequence में ना, n to the power 1 upon n, और उस 1 upon n को नीचे कर लो, log n upon n infinity by infinity खत्म। दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर लिमिट एन, इसीलिए तो कह रहे हैं ले करके चले जाओ, आपकी बेचारा लग जाएगा कम से कम, लॉग एन अपॉन कितना एन। ठीक, अब ये हो गया आपका इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना 1 अपॉन एन, और इसका कितना हुआ 1, दैट इज इक्वल टू ए टू दी पावर 0, रिजल्ट विल बी ये आया आपका नॉन जीरो। इंप्लाइज दैट समेशन un n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज डीजीटी डाइवर्जेंट। लिख दो भैया, किताब कहां गई? रिजल्ट लिखना ऐसे डबल स्टार करके। सुनो, अगर कोई सीरीज ऐसी है जिसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, ठीक, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और या तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और डाइवर्ज भी करेगी तो किस पर? प्लस इंफिनिटी पर, प्लस इंफिनिटी पर, और कहीं पर डाइवर्ज नहीं करेगी। ठीक, इसको लिखना अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, अ पॉजिटिव a positive term series either converges or athwa diverges to plus infinity। एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी और या तो डाइवर्ज करेगी, किस पर? प्लस इंफिनिटी पर। सुनो, कल को कोई कहे, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, बस ऐसे बता रहे हैं, कल को कोई कहे कि कैसे ना साबित करो कैसे, तो कुछ मत करना, केवल एक काम करना, आप सीरीज मान लेना u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un प्लस अप टू सो ऑन। ठीक, सारे टर्म इसमें कैसे हैं? पॉजिटिव है, जब सारे टर्म पॉजिटिव है तो आप इसमें से Sn बना लेना। Sn इज इक्वल टू कितना होगा? U1 प्लस U2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कितना हो गया Un, और Sn प्लस 1 बना लेना। Sn प्लस 1 होगा U1 प्लस U2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा U प्लस Un प्लस 1, ये बन गया। अब आप एक काम कर लो, दिस इंप्लाइज दैट Sn प्लस 1 माइनस क्या बना लो? Sn बना लो। ठीक, तो ये आपका कितना निकल करके आएगा? इसको घटा रहे ना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल आएगा यू एन प्लस
वन आएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। सही या गलत? इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। क्यों हमने कह दिया मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग? क्योंकि आपकी सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो आया हुआ यू एन प्लस वन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और सोचो एन प्लस वन में टर्म से एन वन टर्म घटाने पर पॉजिटिव मिल रहा है, तो यानी कि इट इज ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज दैट एस एन प्लस वन ग्रेटर देन कितना? एस एन, कंफर्मली ग्रेटर देन एस एन। किसके लिए? फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। यही इसका प्रूफ है, ठीक। और अगर ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो दो केस होंगे, ठीक, गौर करना। या तो ये कैसा होगा? बाउंडेड एबव होगा, ठीक, बाउंडेड एबव। और अगर ये बाउंडेड हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ इंप्लाइज दैट समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। आ तो रहा है ना उसमें? आ रहा है। अच्छा, या तो ऐसा होगा कि नॉट बाउंडेड एबव। अच्छा, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो भी बाउंडेड एबव ना हो तो पक्की बात है क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा किस पर? प्लस इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। और दिस इंप्लाइज दैट समेशन यू एन डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। यही इसका प्रूफ है भैया। मर्जी हो लिख लो, मर्जी हो छोड़ दो, जैसा तुम्हारा मन। डिपेंड तुम पर करता है कितने सीरीज पढ़े, कितना याद रहेगा। बेटा याद रहेगा? धन्यवाद। मेरा काम प्रूफ दिखाना था बस खाली, क्योंकि हमको भी इसका प्रूफ लिखने का कोई समझ नहीं आता किसका प्रूफ लिखा जाए। याद रहता है नॉर्मली ये। चलो, एक रिजल्ट ये हो गया, इसके बाद देखना। अगला इसी में लिख दो, डबल स्टार बना करके। इफ यू एन ग्रेटर देन जीरो, इफ, हालांकि ये तो लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं जो ये दे रहे हैं भाई, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं लिखे, हम लोग केवल एक किस्सा इसका लिखे हैं कि लिमिट ऑफ यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट समेशन यू एन इज डीजीटी। ये इसी बात का पर्टिकुलराइजेशन वर्जन लिख रहे हैं कि अगर लिमिट ऑफ यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड यू एन ग्रेटर देन जीरो, हर टर्म पॉजिटिव है और nth टर्म जीरो पर कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आपकी सीरीज प्लस इंफिनिटी ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। अब ये सब क्यों जरूरी थे? कभी कभी ऐसा होता ना, सीरीज दी गई है, आपको ऑप्शन लगा दिया डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी, ऑक्सिलेट बिटवीन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो यही सब काम आते हैं कि आप देखो कि आपकी जो सीरीज है अल्टरनेटिव टर्म की है या सारे टर्म पॉजिटिव लेकर के रखे हैं। लिख दे रहे हैं, उसी में लिख लो। इफ यू एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, जितने टर्म हैं आपकी सीरीज में वो सभी के सभी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। एंड, और इसके साथ लिमिट ऑफ यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और nth टर्म की लिमिट भी आपकी जीरो नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट समेशन यू एन एन वैल्यू फ्रॉम वन टू इंफिनिटी डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। तो हमारी सीरीज सीधे सीधे प्लस इंफिनिटी पर ही डाइवर्जेंट होगी। लिखना द नेसेसरी एंड सफिशियंट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ For the convergence of a positive term series summation un, trick is that sequence of partial sum sn, trick is bounded above। अब इसको ना
ऐसे शब्दों में ऐसे लिखा जाता है। नॉर्मली अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इफ यूएन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, जितने टर्म है वो सभी के सभी टर्म अगर आपके कैसे बने रहते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं, ठीक, देन समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट implies and implies that sequence of partial sum Sn is bounded above. बस इतनी सी बात काफी है, बस सिर्फ इतनी ही बात काफी है इस पूरे गीता दोहन से। अच्छा बस इतना ही, सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, लेकिन ये बात याद रखना, ये सारी बातें ना पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हो रही है। अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है पॉजिटिव टर्म वाली, तो पक्की बात है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट रहा होगा। ऐसे ही सुन लो, प्रूफ ऐसे ही सुन लो। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्की बात है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बना ये कैसा रहा होगा, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट रहा होगा तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, और बाउंडेड का मतलब है बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। पक्की बात है बाउंडेड अबव हो गया कि नहीं हो गया। सीक्वेंस ऑफ एसएन कैसा है, बाउंडेड अबव है। अगर ये बाउंडेड अबव है तो गौर करो आपकी सीरीज यूएन, आपकी सीरीज में हर टर्म कैसा है, पॉजिटिव। अभी अभी तो दिखाए थे थोड़ी देर पहले, अगर हर टर्म पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव कंफर्मली कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट, तो आपकी सीरीज भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, याद रखना। तेज तो नहीं बोले, किड़बिड़ वाले था, समझ आ जाता है। लेबनिट्स टेस्ट, ठीक, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक। अल्टरनेटिंग सीरीज वही जिसमें साइन लगातार बदल रहे हो, प्लस माइनस, उस सीरीज को अल्टरनेटिंग कहा जाता है। इसमें स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट लिखो, एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कन्वर्जेंट सीजीटी इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली के नीचे अंडरलाइन करना, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रिसीडिंग टर्म्स less than the preceding term, एक बात, and limit n approaches to infinity of un is equal to zero, ठीक, और अथवा एक अगला statement इसी का लिख लो, और summation n vary from 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 un is convergent, एक alternating series convergent होगी if यदि un greater than 0, पहली बात un कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, एक un greater than 0, दूसरी बात un is less than un minus 1, ठीक, एंड लिमिट n approaches to infinity un is equal to 0, un लिखते हैं ना तो मतलब न्यूमेरिकल ही होता है। रीजन, सीरीज मैंने क्या लिखी है, सीरीज मैंने लिखी है u1 minus u2 plus u3 माइनस यू फोर
ठीक, इसके बाद फिर कितना प्लस यू फाइव माइनस यू सिक्स इस तरीके से। तो सोचो प्लस माइनस साइन अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर के रखे हैं, तो यू वन यू टू यू थ्री ये सभी कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। जब यू वन यू टू यू थ्री सारे पॉजिटिव हो गए तो कह रहे हैं यू एन आपका ग्रेटर देन जीरो हो, लेकिन जो यू एन है वो अपने से पहले मौजूद यू एन माइनस वन से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो सोचो हर टर्म अपने से पहले मौजूद टर्म से छोटा हो रहा है कि नहीं, यानी न्यूमेरिकली वैल्यू लगातार घटती जाए। एग्जाम्पल के तौर पर सीरीज सुनना, वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव। तुम सोचो लगातार अगर आप टर्म की बात करो तो यू वन बराबर कितना है वन, माइनस वन बाई टू में यू टू कितना है वन बाई टू, यू थ्री कितना है वन बाई थ्री, यू फोर कितना हुआ वन बाई फोर, लगातार कम होते जा रहे हैं। तो हर बाद में आने वाला टर्म अपने से पहले मौजूद टर्म से न्यूमेरिकली स्मॉलर है, न्यूमेरिकली। साइन के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, फ्री ऑफ साइन है, यानी सबका साइन कैसा है पॉजिटिव। और लिमिट ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू जीरो, तो आपके nth टर्म की लिमिट जीरो। अगर ये बात पूरी हो रही है तो आपकी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, अदरवाइज आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, सुनो इनके मैकेनिज्म के लिए हम तुमको प्रूफ दिखाएंगे, ठीक, इनके मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि बाकी जहां पर नहीं जरूरत थी वहां मैंने डंप कर दिए प्रूफ, लेकिन ये तुम्हारे लिए नए नए हैं, पढ़े नहीं हो इसलिए पढ़ा रहे हैं। प्रूफ लेना, सबसे पहले सीरीज ही बना लो यू वन माइनस यू टू इस तरीके से करते हुए, यही लिखे प्रूफ लिखना। टेक सीरीज बन रही है यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस यू फाइव माइनस प्लस अप टू सो ऑन, ठीक, सच दे। और ये सीरीज ऐसी है, कह रहे हैं कि हर बाद में आने वाला टर्म अपने से पहले से मौजूद टर्म से छोटा है, तो इसका मतलब है U1 कंफर्मली ग्रेटर देन U2, U2 ग्रेटर देन U3, U3 ग्रेटर देन U4, ग्रेटर देन सो ऑन। ठीक, अब हम दी गई सीरीज को फिर से रीराइट करेंगे। नाउ रीराइट द गिवन सीरीज, नाउ रीराइट, पुनः लिखते हैं, रीराइट द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज, रीराइट द गिवन सीरीज एज, कैसे लिखेंगे, पेयरिंग करते जाओ। जब इनकी पेयरिंग करोगे तो गौर करो क्या बनेगा, ये सीरीज बन जाएगी u1 माइनस u2 को एक साथ कर लो प्लस, इसके बाद फिर u3 माइनस u4 एक साथ कर लो प्लस, अगला कौन होगा u5 माइनस u6, u5 माइनस u6 एक साथ प्लस अप टू सो ऑन। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन, एक बात। एंड दूसरी बात सुनो, एक तो आपने ये बनाया, गौर करो क्या हर टर्म पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। u1 ग्रेटर देन u2 है तो ये टुकड़ा कैसा पॉजिटिव, u3 ग्रेटर देन u4 ये भी कैसा पॉजिटिव। अब आप एक काम करो, u1 को बाहर रोको, u1 को बाहर, अब फिर आप पेयरिंग करना चालू करो माइनस कॉमन करके, तो अगला कौन आएगा, थोड़ा सा u1 हट करके हम यहां पर लिखे, देखना। एंड u1 इधर रोका, माइनस साइन को कॉमन किया, तो ब्रेकेट के अंदर में सोचो क्या बनेगा, ब्रेकेट के अंदर में ये u2 पॉजिटिव हो गया, u3 नेगेटिव हो गया, तो u2 माइनस u3, सहमत हो कि नहीं सहमत हो। इसके बाद फिर अगले में आओ, अगले में, अब चूंकि तुमने पूरे में से माइनस को बाहर खींच लिया है तो यहां पर प्लस, और u4 माइनस, u4 माइनस u5, इसी तरीके से प्लस u6 माइनस u7 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर, नोट करो, समझ आया, सही लिखा गया सर, नोट करो। ये याद रखना, भले इक्वेशन नंबर वन और टू तुमको देखने में अलग अलग लिख रहा जा रहा हो, लेकिन है तो दोनों सीरीज सेम टू सेम है, ठीक, इस बात को ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, यहीं पर मेंशन कर देते हैं कंफ्यूजन काहे के लिए हो। वन एंड टू बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक, बट रिटन, बट रिटन, बट रिटन इन डिफरेंट वेज, लेकिन अलग तरीके से लिखे गए हैं, रिटन इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, ठीक। अब इधर के मिटा सकते हैं, इधर वाला तो हो ही गया होगा, UI और UI plus 1 के बीच का रिलेशन याद है ना, UI is greater than UI plus 1, और UI UI minus 1 के बीच का रिलेशन,
ग्रेटर देन यू आई, ठीक, हाँ याद रखना पैटर्न, ठीक लिखना, सिंस चूंकि यू आई इज कंफर्मली लेस देन यू आई माइनस वन, सही है कि नहीं, यू आई बाद में आया है, यू आई माइनस वन पहले आया है, ठीक, सो इसलिए ईच प्रत्येक यू आई माइनस यू आई नहीं यू आई माइनस वन या सुधार देते ऐसे लिख देते ना, दिस इज ग्रेटर देन जी, सही, यू आई इज ग्रेटर देन यू आई प्लस वन, तो पक्की बात है जितने पैकेट ऊपर लिखे गए हैं वो सारे पैकेट आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या ये भी सारे पैकेट पॉजिटिव होंगे, तो ऊपर लिखे गए सारे पैकेट पॉजिटिव, नीचे लिखे गए, अभी हम पूरे की बात नहीं करें केवल अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए उनकी बात करें, हर टुकड़ा क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, तय हो गया कि ये जो इक्वेशन नंबर वन लिखा गया है ना पॉजिटिव टर्म की सीरीज लिखी गई है, क्योंकि हर टर्म कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज या तो प्लस इंफिनिटी डाइवर्स करेगी और या तो कन्वर्जेंट करेगी, दो ही बिहेव हो सकते हैं इसके, लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट सम इन वन, सम इन वन इज पॉजिटिव, क्यों मैंने लिखा सम इन वन पॉजिटिव, क्योंकि अभी तो केवल जैसा भी लिखा गया जो भी आएगा वो सम कैसा रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, अब पॉजिटिव में हो सकता है प्लस इंफिनिटी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, सम इन वन इज पॉजिटिव एंड हेंस, और इसलिए एंड हेंस सम इन ब्रैकेट ऑफ इक्वेशन टू, एंड हेंस सम इन ब्रैकेट, सम इन ब्रैकेट इन इक्वेशन टू, खोपड़ी दौड़ाना, आपने ये कहा कि इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम टू सेम है, बस लिखे अलग तरीके से गए हैं, और आप गारंटी दे रहे हो हर टुकड़ा पॉजिटिव है तो ये पूरा जोड़ भी क्या आएगा पॉजिटिव, चाहे जो आए आएगा तो पॉजिटिव ही, तो पक्की बात है नीचे वाला भी क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे वाला पॉजिटिव कैसे होगा, यू वन में से ये पूरा टुकड़ा घटाया गया है, यानी यू वन को बड़ा होना पड़ेगा इस पूरे हिस्से से, क्लियर हुआ कि नहीं, लिख रहे हैं hence sum in the bracket in equation 2 is confirmly less than किससे u1, ये सभी लोग किससे छोटे होंगे u1 से, और u1 कौन है भैया, u1 finite है, u1 कैसा है finite, पहला टर्म है आपका, ठीक, u1 is finite, लिखना clearly, स्पष्टता clearly, s 2n plus 1 is equal to, बोलो एस टू एन प्लस वन बता सकते हो कितना लिखा जाएगा, एस टू एन प्लस यू क्या लिखें, सफिक्स बोलोगे, अरे फंस गए, गलत, नहीं फंसना था, एस टू एन का मतलब है पहले से लेकर के टू एन टर्न तक का आपस में जोड़, तो वो हो गया यू वन प्लस यू टू प्लस वन यू टू एन, और उसके बाद एस टू एन प्लस वन मतलब टू एन से एक ज्यादा टर्म, तो टू यू टू एन तक तो यहां पर पहुंचे, तो अगला कौन होगा टू एन प्लस वन होगा, अभी क्लियर हुआ, लिखना क्लियरली एस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एस टू एन प्लस यू टू एन प्लस वन, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर तीन, ठीक, आल्सो आपको एक और बात दी गई है, आल्सो गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट, अगर याद हो तो एक इंफॉर्मेशन अभी भी बाकी रह गई है, कौन सी, लिमिट ऑफ यू एन इज इक्वल टू जीरो, आल्सो गिवन दैट लिमिट n approaches to infinity un is equal to 0 and this implies that limit n approaches to infinity u 2n plus 1 also is equal to 0. तो इक्वेशन नंबर तीन से तुमको कुछ नजर आ रहा होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, सो From equation 3, limit n approaches to infinity s 2n plus 1 is equal to limit n approaches to infinity s 2n. चाहे आप sequence of partial sum s 2n का बनाओ और चाहे s 2n plus 1 का बनाओ, दोनों की limit आपस में कैसी आएगी, बराबर आएगी. जानते हो? एस टू एन का मतलब क्या है, इवन टर्म का, और टू एन प्लस वन का ऑड का, और दोनों की लिमिट कैसी आ रही है, बराबर बराबर आ रही है, इसी बात को लिखना लैंग्वेज में, बोले अच्छा लिख लो तब, और पता है
जब इवन टर्म जोड़े जा रहे हैं वही लिमिट आ रही है जो ऑड के जोड़ने पर। ऑक्सिलेटिंग में याद करो डिफरेंट आती थी, याद है? जब इवन टर्म को लेकर के चलते थे तो कुछ और आती थी, ऑड ऑड होते एन बराबर इवन पर कभी कभी प्लस वन, ऑड पर माइनस वन, ऑड पर प्लस वन, इवन पर अभी अभी जो लिए थे वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, जब ज्योमेट्रिक वाला पढ़ा रहे थे तो वहां पर गौर करो ऑड लेने पर प्लस वन आ रही थी और इवन टर्म को लेने पर जीरो आ रही थी। तो सोचो जब अगर आपकी सीरीज को ऑक्सिलेट करना होगा ना तो ऑड टर्म तक जोड़ोगे तो कुछ और लिमिट आएगी, इवन टर्म तक जोड़ोगे तो कुछ और आएगी, जबकि ये ऑड और इवन दोनों पर क्या आ रही है, सेम टू सेम आ रही है, इसका मतलब सीरीज ऑक्सिलेट नहीं करेगी, तय हो गया है। लिखना इसी बात अब बोले लिखना लैंग्वेज में, दैट इज एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दैट इज अर्थात एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स एंड सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिखना, डू नॉट डिफर, डू नॉट डिफर, ये अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट सीरीज, सीरीज इज नॉट ऑक्सिलेटिंग, सीरीज इज नॉट ऑक्सिलेटिंग, इसका मतलब तय हो गया कि हमारी सीरीज ऑक्सिलेट नहीं करेगी, और तो इसका मतलब कंफर्मली क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, बात ही खत्म। दिस इंप्लाइज दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, काम खत्म, बस न्यूमेरिकल उठाएं फटाफट, समझ आया, मिटा रहे हैं। यही सब बीएससी में अनटच्ड रह गया था, दूर दूर से इसका कोई बात नहीं, आपको रास्ता नहीं मिला कि पढ़ा कहां से जाए, कौन ये पढ़ाए थे ना, कोरोना ने पहले पढ़ा दिए थे ना, इसीलिए कौन, हाँ लेकिन एक मिनट, फर्स्ट ईयर तुम लोगों को पढ़ाए ना, फर्स्ट ईयर पढ़ा, हाँ पढ़ाए हुए थे, पढ़ाए थे, याद आ गया, शुरुआत में ये सब उसमें कैलकुलस वाले हिस्से में आता था ना, अलजेब्रा, तो हम इसको जानते थे, ये कैलकुलस का पोर्शन है, काट करके अलजेब्रा रख के पहले ही निपटा देते थे इधर उधर, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाए थे क्योंकि वो भी था ना जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो शॉर्ट में ही निपटाए थे, बहुत ज्यादा डीपली, सबसे ज्यादा डीपली किसी को पढ़ाए ना तो ये जो लास्ट वाली बैच चली है सेमेस्टर में, इनको पढ़ाए हुए हैं, और या तो फिर जब वो उधर चलता था ईयरली पैटर्न चलता था फिर तो पूछो मत, ईयरली पैटर्न में जितना टेस्ट था सारे टेस्ट के प्रूफ सिखा दिए थे, जितने न्यूमेरिकल थे वो करवा दिए थे, मतलब किताब के 90% न्यूमेरिकल करा दिए थे, 10% केवल प्रैक्टिस सेट के लिए छोड़ दिए थे बस, और किताब वही थी एमडी राजिंघानी ने फॉलो उसी को किए हुए थे, दूसरी किताब नहीं थी, कृष्णा कहने के लिए थी, पढ़ाते उड़ाते नहीं थे कृष्णा से, हवा हवाई थी, प्रॉब्लम हम लोग अपने टाइम में एससी मलिक से पढ़े थे, बीएससी अपने लोग किए थे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज दी जा रही है 1 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 4, ठीक, प्लस माइनस अप टू सो ऑन। ये बताओ अगर कोई सीरीज तुमको लिखी मेरी और उस सीरीज में जो आप अल्टरनेटिंग टर्म की है लेकिन जो टर्म लिखे गए हैं वो टर्म न्यूमेरिकली एक से बड़े हैं तो क्या उस पर लैबनिट्स का टेस्ट लगाने की गलती करोगे? वापस सुन लेना ध्यान से, बोल क्या रहे हैं, एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी गई, टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं लेकिन जो टर्म लिखे गए हैं वो टर्म न्यूमेरिकली एक से बड़े हैं, न्यूमेरिकली एक से बड़े हैं तो क्या उस पर लैबनिट्स का टेस्ट लगाने की गलती करोगे? रीजन यहां वन का कोई किस्सा नहीं है, ठीक है, तो ये गलती हम लोग शौकिया करेंगे, बस केवल इतनी सी बात है कि यू आई जो आपका है
वो कैसा होना चाहिए, यू आई प्लस वन से बड़ा होना चाहिए। तो यहां टर्म के बीच की रिलेशनशिप है, ना कि उनका वन के साथ कंपैरिजन है। पूछे किस लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्रिक वाले में यही सारी बातें हुई थी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, लेस देन आर इक्वल टू वन पे हुआ था ना, तो हमको लगा हो सकता है धोखा खा जाओ। अभी कल कौन था, कल सारे लोग धोखा खाए थे जब बना था उसका क्वेश्चन, तो इंटरसेक्शन वाला वो खूबसूरत धोखा है, हो ही जाता है। तो पहले पहले ये दोनों बातें लिख देना, सीरीज में दोनों बातें होल्ड करनी है जो हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट पहले लिख देना। सॉल्यूशन लिखना, इन दिस सीरीज इस दी गई सीरीज में, पहला द टर्म्स आर न्यूमेरिकली, द टर्म्स नहीं पहले तो अल्टरनेटिंग वाली बात लिख दो, द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो टर्म है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड, वो उसमें लिखो ना सिंबॉलिकली फॉर्म में, यू एन इज कन्फर्मली ग्रेटर देन या लेस देन, दोनों में से कुछ भी लगा लो, un un प्लस वन के बीच में ग्रेटर देन लग जाएगा और un un माइनस वन के बीच में लेस देन लग जाएगा, un इज लेस देन un माइनस वन, एक बात। और तीसरी वाली बात कौन सी थी, थर्ड, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन रूट n इज इक्वल टू कितना, तीन बातें पूरी हो रही हैं, यानी लैबनिट्स का टेस्ट एप्लीकेबल है यहां पर। So, इसलिए by Leibniz test, so by Leibniz test, बोलो Leibniz के टेस्ट से क्या कहा जाए, दी गई सीरीज खत्म एक ही बार में। So by Leibniz test, given series is convergent। ये याद रखना, टेस्ट की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस कौन सी हैं, ये हैं कि ये केवल आपको इन्फॉर्म करती हैं कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, कन्वर्ज कहां पर करेंगी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहां पर नहीं है, ठीक, वो आपको प्रॉपर वे में निकालना पड़ेगा कि कहां कन्वर्ज करेंगी। सीरीज कन्वर्जेंट यानी सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा, हाँ या ना, अभी अभी तो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन हुई, वो बाउंडेड आएगा, बस उसी को निकाल लो, वो कहां कन्वर्ज करेगा, तो सीरीज जहां कन्वर्ज कर रही है वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हो, बिठाए जाएंगे, पहला सवाल डन। दूसरा लिखना प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज दी गई है 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस प्लस सो ऑन। देखो भैया सीरीज को एक बार फिर से रीराइट कर लो, रीराइट द गिवन सीरीज सॉल्यूशन, रीराइट the given series rewrite the given series 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 ki power 2 minus 1 upon 2 ki power 3 plus 1 upon 2 ki power 4 minus plus up to so on। In this series, पहला terms are alternatively positive and negative, एक बात। दूसरा, second, un is greater than un plus 1, रीजन है अपने पास, सिंस
वन अपॉन टू की पावर एन इज ग्रेटर देन वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन। क्लियर हुआ? ठीक। एंड थर्ड बात, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। सो बाई लेबनिट्स टेस्ट, given series is convergent, दी गई सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। नोट कर लो। प्रॉब्लम लिखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ए, ठीक, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ए, इसके बाद प्लस माइनस अप टू सो ऑन, एक्स और ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक्स एंड स्मॉल ए बीइंग पॉजिटिव क्वांटिटी, बीइंग पॉजिटिव क्वांटिटी, बीइंग पॉजिटिव क्वांटिटी, ये रहा एक्स और ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, ठीक। टर्म का एक से बड़ा एक से छोटा होने पे तो अपना कोई है नहीं, सिंपल सी थ्योरी है, रीराइट भी नहीं करना है, सीधे लिखना चालू कर दो। सॉल्यूशन, इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन सीरीज, पहली बार टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। दूसरी बात, दूसरा, un un plus one के बीच में रिलेशन प्रिजर्व कर रहा है, un इज लेस देन un plus one, हाँ बोल रहे तुम, un इज ग्रेटर देन un plus one, हाँ un माइनस वन से बोला था, ठीक, फॉर ऑल n। एंड थर्ड, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, वन un इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन x प्लस n a। चलो भैया, ना तो x पर लिमिट है ना तो a पर लिमिट है, लिमिट एक्चुअल में किस पर है? n पर है, और n approaches to infinity मतलब 1 upon infinity खत्म, कितना? 0, ठीक। So by Leibniz test given series is convergent, Leibniz के test से दी गई series कैसी होगी? convergent। नोट कर लो। चले, एक तो मिस्टेक कर दिए, कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत तो हो ही गया। यूएन मिला ना, पहला टर्म कितना है? 0 इंटू ए, दूसरा टर्म कितना है? 1 इंटू ए ना, तो यूएन में ना वो n माइनस 1 इंटू ए होना चाहिए था, कहां पर? हाँ, ये n प्लस 1 कर दें, बात सही हो जाएगी अपनी, बस अब सही रहेगा ना, कर दो n प्लस 1, वो बाद में पढ़ने में दिक्कत देगा,
कि यूएन ऐसा क्यों ले लिया, वो ध्यान नहीं दे, हर बार दिमाग में वो बैठा रहता है ना, वो गलती हो जाती है, अब वो पकड़ में नहीं आई क्योंकि लिमिट तो जीरो होनी है। क्या तो तुम कंफ्यूज हो जाना ना, तो लिमिट ऑफ यू एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ यू एन प्लस वन, नो कंफ्यूजन हियर, समझे, लिख दिए तुम्हारे लिए मिटाए। किताब कहाँ गई, अब क्या है इसमें, लैब नोट्स कहाँ गए, नहीं किताबी वाले तुरंत कासी क्राइटेरिया दे दिए सबसे पहले ही। अल्टरनेटिंग बाद में दिया है क्या इन्होंने, खाए पड़ रहे हो, धोखा जैसा चश्मा लगा कर प्रिंसिपल कॉसिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज कॉसीज का सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए जनरल प्रिंसिपल, कुछ नहीं, कॉसी ने जो सीक्वेंस में कहा था ना कि अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है तो उसके टर्म के बीच में जो अंतर है वो धीमे धीमे खत्म हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा मतलब या तो खत्म हो चुका होगा और या तो खत्म हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा, वही कंडीशन हम लोग सीरीज पर भी थोप देते हैं, क्यों, अब हम लोग जानते हैं सीरीज का कन्वर्जेंट अगर होना है तो इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर आप कॉसी का क्राइटेरिया लगा दो तो सीरीज पर कॉसी का क्राइटेरिया मिल जाएगा। तेज बोल गए, आराम से, यही इतनी बात है कि आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लो, एक बार सीक्वेंस बन गया तो सीक्वेंस के लिए कॉसी का क्राइटेरिया हम लोगों को पता है, कॉसी का क्राइटेरिया आप सीक्वेंस पर लगा दो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर, वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेगा कॉसी जनरल क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पर, क्लियर हुआ, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगा तो सीरीज भी पक्की बात है क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, लिखना। थ्योरम लिखना, समेशन यू एन, जहां पर एन वेरी फ्रॉम वन टू इंफिनिटी कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल, चाहे जितना भी छोटा हो जाए, हाउ एवर स्मॉल, आप अपने दिमाग में कितना भी छोटे से छोटा नंबर सोच लो जो कि पॉजिटिव हो, ठीक, देयर एग्जिस्ट, यहां पर मौजूद होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, जब हम कहें ना देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, तो इसका मतलब हमारे सीक्वेंस में एक पोजीशन ऐसी आनी चाहिए सच दैट, जो इस तरह से हो सच दैट, या आप चूंकि सीरीज में बात कर रहे हैं ना तो ये पोजीशन सीरीज में आनी चाहिए कि इस पोजीशन के बाद यू एन प्लस वन, इस पोजीशन के बाद हम चल रहे हैं, ठीक, यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस यू एन प्लस पी, इतने टर्म का जो जोड़ है ये कंफर्मली लेस देन कितना बैठा रहे एप्सिलॉन के, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, मतलब बता रहे हैं, पहले पूरा लिख लो तो मतलब बताते हैं, इसके बाद फिर इसी में आगे, दैट इज अर्थात दैट इज, अब दैट इज जो लिखेंगे ना वो उस बात का वेरिफिकेशन हो जो हमने कहा कि आप सीक्वेंस पर इस बात को लगाओ सीरीज पर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस का जिक्र तो किया नहीं, सीरीज पर सीधे सीधे लिख दिया है, तो अब दैट इज वाले में सीक्वेंस पे दिखा दे रहे हैं, सुनो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं पहले, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर सो ऑन एस एन सो ऑन, ये रहा
ये आपका है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, और हम इस पे कॉसी का क्राइटेरिया लगा रहे हैं। कॉसी ने कहा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस में चलते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस पोजीशन के बाद, जैसे हम कहें चलते चलते एक स्टेप आ गया एम, पहला टर्म नहीं, दूसरा टर्म नहीं, तीसरा टर्म नहीं, लेकिन चलते चलते हम सौवें स्टेप पर आ गए। सौवें स्टेप के बाद ये कहानी हुई कि आप किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो, वो आपके द्वारा सोचे गए नंबर एप्सिलॉन से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। सामने वाला केवल एक चैलेंज कर रहा है कि ये बताओ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1/10, क्या कभी ऐसा होगा कि आपके सीक्वेंस में किसी भी दो टर्म के बीच का जो अंतर निकाला जाए वो 1/10 से भी कम आ जाए? तो हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस में तलाश करेंगे कि देखते हैं किस टर्म के बाद ये घटना घटित होती है। पता चलता है कि चलते चलते हम m इज इक्वल टू 100 पर पहुंच गए। 100वें टर्म पर पहुंचने के बाद, मतलब s 100 को पार करने के बाद, आप किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो 100 को पार करने के बाद, यानी कि डिफरेंस बिटवीन s 100 m, सहमत हो कि नहीं, गड़बड़ा रहे हो। 100m का मतलब पक्की बात है या तो 100 से ये घटना घटित होगी या तो 100 के बाद से। चलो हम और अच्छा कर दे रहे हैं, s n प्लस p माइनस sn, दो टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस लेस देन कितना हो जाए 1/10, जहां पर ये n कौन है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। 100 के बाद आप किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो, सोचो s 100, sn का मतलब है 100वां टर्म, और s n प्लस p का मतलब 100वें टर्म के आगे आप कहीं भी खड़े हो जाओ उन दोनों के बीच का, और p के बारे में कह दे p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दोनों के बीच का डिफरेंस आपके द्वारा सोचे गए नंबर 1/10 से भी क्या आएगा, कम। सभी बातों के लिए हो रहा है, हर टर्म के, 100 के बाद सारे टर्म के लिए, इसका मतलब आपका सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट नहीं, नहीं, एप्सिलॉन व्हाट एवर बी एप्सिलॉन, आप इसको बदलो, आप इसको चेंज कर दो 1/100। आपकी सामने वाला कह रहा है अच्छा ठीक है, अगर ये पास हो गया तो बताओ क्या आपके सीक्वेंस में ऐसा होगा कि किसी दो टर्म के बीच का डिफरेंस 1/100 से भी कम आना शुरू हो जाए, क्या ऐसी घटना घटित होगी? फिर अपने लोग खोजना चालू करेंगे, और आपकी मान लो पता चलता है m इज इक्वल टू 1000, 1000वां स्टेप जब सीक्वेंस में हम चल चुके तो फिर मुझको मिलता है कि n प्लस p माइनस sn, मतलब 1000वें, जो आप 1000वें टर्म पर खड़े हो, 1000वें टर्म के बाद कहीं भी खड़े हो, दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन 1/100। तो इस तरह आप एप्सिलॉन को बदलते जाओ, हर बार आपके सीक्वेंस में आपको एक जगह मिलती जाए, जिस जगह खड़े होने के बाद आगे जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी का भी डिफरेंस इससे निकालो, वो हमेशा लेस देन कितना बैठे, एप्सिलॉन। जब लेस देन एप्सिलॉन बैठेगा तो ऐसे केस में आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आओ यही बात करो इस पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। तो हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में देखा कि अगर मेरा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर मेरा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है तो पक्की बात है व्हाट एवर बी एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट स्मॉल n, एक पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, या आप ये कहो कि दैट इज, अर्थात देयर एग्जिस्ट अ पोजिशन, हमारे सीक्वेंस में एक पोजिशन आएगी, एक स्टेज आएगा जिसके बाद द डिफरेंस बिटवीन एस एन प्लस पी माइनस एस एन इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम और पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। लिखा तुम गौर करो, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ऊपर वाला लिखा, वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे देखना, एस एन प्लस पी का मतलब है पहले से लेकर के एन प्लस पी तक का जोड़ है, यानी ये लिखा गया है यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन प्लस यू एन प्लस यू एन प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस यू एन प्लस पी, शुरू से लेकर के एन प्लस पी तक का टर्म। और माइनस एस एन, तो माइनस यू वन माइनस यू टू माइनस यू थ्री सो ऑन माइनस यू एन, सब कट पिट करके यू एन प्लस वन से लेकर के यू एन प्लस पी, तो हम इसी को लिख देते हैं एस एन प्लस पी माइनस एस एन, इनके बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब समझ में आया, नोट कर लो इस बात को, यही कॉसी का क्राइटेरिया है। कॉसी बहुत सीधी सी बात कहते हैं, कॉसी कहते हैं अगर सीक्वेंस को कन्वर्ज होना है तो आपके द्वारा सोचे गए छोटे से भी छोटे नंबर के लिए, जो कि पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपके द्वारा सोचे गए छोटी से छोटी दूरी से भी नजदीक आपके सीक्वेंस के टर्म को आना पड़ेगा।
अगर आप ये कह रहे हो कि सीक्वेंस के टर्म क्या एक दूसरे से 1/10 से भी कम दूरी पर आ सकते हैं और आपके सीक्वेंस में टर्म 1/10 से भी कम नजदीकी नहीं रख सकते हैं, तो आपका सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं कर सकता है। तो आप खाने को जितना पकाना चाहो उतना पका सकते हो, तो ही आप खाना पकाना जानते हो, जलाना चाहो तो जला भी सकते हो, वो भी आपके क्राइटेरिया में शामिल है। लेकिन आप ये कहो, सामने वाला आपसे कहे, जैसे मेरे पिताजी कभी कभी कहते हैं कि तो चावल ऐसा बनना चाहिए कि मुंह में डालते ही पिघल जाए, मींस एक होता है ना जैसे भुरभुरे चावल बनते हैं तो उसमें पानी थोड़ा कम रखा जाता है, तो पिताजी को हमारे वो नहीं पसंद है, वो चावल वैसा खाना चाहते हैं जो एकदम एक के ऊपर एक गुथ जाते हैं। चावल कहते हैं अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, 7 जन्मों का साथ वाला ना, वो छोड़ने वाले नहीं है, तो गुथे पड़े रहते हैं, ऐसे चावल खाना चाहते हैं वो पके वाले। मेरी मम्मी इसके जस्ट अपोजिट है, तो मम्मी बनाती है अपने मन का, पापा खाते हैं अपने मन का, लेकिन पापा को अपने मन का मिलता नहीं है। ठीक, तो अब ऐसे में ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है कासी के अकॉर्डिंग ना, तो आप जितना पकाना चाहो उतना पका सकते हो, तो ही आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आफ्टर अ फाइनाइट स्टेज कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज हाउ एवर स्मॉल। जितना छोटा चाहो उतना छोटा आप एप्सिलॉन को कर दो, लेकिन आप सीक्वेंस के टर्म को उससे भी ज्यादा नजदीक ला सकते हो। ऐसे ही तरीके पर आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, कन्वर्जेंट, और वो कन्वर्जेंट हुआ तो आपकी सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ये जो बात लिखी गई ना सीरीज के लिए लिखी, सोचो क्या क्या रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी होगी जिस पर्टिकुलर स्टेज को पार करने के बाद, एन कौन है, एम से आगे निकल चुका है, इस पर्टिकुलर स्टेज को पार करने के बाद आप कितने भी टर्म का जोड़ करोगे, 200, 300, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख टर्म को भी आपस में जोड़ोगे ना, तो आपके द्वारा सोचे गए एप्सिलॉन से भी ये कितना बैठेगा, छोटा। सोचो हम कह क्या रहे हैं, सीक्वेंस में चलते चलते एक स्टेज आ गई, इस स्टेज के बाद भैया 200 लोगों को जोड़ दें कि 1 लाख लोगों को जोड़ दें कि 1/1 करें कि आप 10 लाख लोगों को जोड़ दो, लेकिन इनकी हैसियत ही मेरे द्वारा सोचे गए नंबर एप्सिलॉन के ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सीरीज तेजी से बढ़ने का काम नहीं करे, ये थम चुकी, दम टूट गया, अब ये तो कन्वर्ज करेगी ही करेगी। जिस सीरीज में दम होता है ना वो ऐसी नहीं होती, 1+2+3+4+5+6। अब बताओ जोड़ करके दिखाओ, अगर आप 10 लोगों को जोड़ोगे ना तो अलग सम होगा, और 20 लोगों को जोड़ोगे तो इससे भी बड़ा टर्म आएगा। यही कासी का क्राइटेरिया है, भगवान जाने कैसे इनके दिमाग में आया था, दिमाग वक्त तभी आया था, रील्स वाला दिमाग तो नहीं था। मिटाएं इसको, मतलब इतनी बड़ी बात को सोचना बड़ी बात होती है भैया। सोचो ये इतनी बड़ी बात है कि आप एक सीक्वेंस में खड़े होकर के एक दावा ठोक रहे हो कि कितने भी टर्म को जोड़ दोगे ना इससे तो कम ही बैठेगा जितना आपने सोचा है। आप नजदीक लाना चाहते हो, इससे भी कम हो सकता है कि नहीं, वो कह रहे हैं हाँ हो जाएंगे, इससे भी कम हो सकता है हाँ हो जाएंगे। तो जो सीक्वेंस हद से ज्यादा नजदीक आने को तैयार है वो कन्वर्जेंट, और जो नहीं तैयार है एक वक्त तक है बस ठीक है, इसके बाद टेरिटरी खत्म, वो आपका किस नेचर में चला जाएगा, डाइवर्जेंट नेचर में, उसको लाना ही नहीं, प्रूफ नहीं दे रहे इसका, कासी क्राइटेरिया में प्रूफ नहीं दे रहे, चलेगा ठीक। हाँ ऐसा कहा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी में कासी क्राइटेरिया का प्रूफ करवाए हैं, अगर वहां करवाए ना सीरीज के लिए करवाए बस वही इस पे आ जाना। हाँ हाँ, मतलब जो एफ एफ आपका है उसी को आप उस पर बदल दो यू पर, ठीक बस काम हो जाएगा, तब तो ठीक है, तब नहीं दिक्कत है। कंट्राडिक्ट कंट्राडिक्ट ये नहीं, एक प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम लिखना, शो दैट समेशन 1/n डज नॉट कन्वर्जेंट। सीजीटी लिख दो, दिखाइए समेशन 1/n कन्वर्जेंट नहीं है, लेबनिट्स का टेस्ट नहीं लग सकता है क्योंकि अल्टरनेटिंग नहीं है। सोचे वही थे क्या, हाँ नहीं वो अलग आएगा ना, हाइपरजोमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हो ना, वो बाद में आएगा, अभी नहीं, कॉसी क्राइटेरिया में चल रहे हैं अभी। अच्छा ये भी नहीं कि हर बार टेस्ट लगा करके काम होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं कि हर बार आप टेस्ट लगा करके काम करो, कॉसी क्राइटेरिया के थ्रू भी आपको जाना पड़ेगा, इवन वहां एग्जाम हॉल में भी, ऐसा नहीं कि हर बार आप एक टेस्ट पर, वो तो आपके न्यूमेरिकल की प्रॉपर्टी के ऊपर है, न्यूमेरिकल आपका अच्छा मिल गया नहीं अच्छा मिला तो कॉसी क्राइटेरिया ही डिसाइड करेगा। सॉल्यूशन सुनो, ये कह रहे दिखाइए ये सीरीज कैसी है,
कन्वर्जेंट नहीं है, आप मान लो माना ये कन्वर्जेंट है, उल्टा मानो, लिखना लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल समेशन वन अपॉन एन ठीक इज कन्वर्जेंट, माना अगर संभव है तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो चुन लो एप्सिलॉन कुछ। अब भाई अगर सीरीज कन्वर्जेंट तो हर एप्सिलॉन के लिए आप टर्म को नजदीक ला सकते हो, चलो एप्सिलॉन वन बाई फोर चुन लेते हैं, क्या जा रहा है मेरा, लिखना देयरफोर, इसलिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहां लिखना से एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई फोर, इन पर्टिकुलर है ये ठीक, देयर एग्जिस्ट यहां मौजूद होगा अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक स्टेज मौजूद होगी अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर स्मॉल एम सच दैट, और ये स्टेज कैसी होगी कि वन अपॉन, यहां क्या लिखते थे यू एन प्लस वन, तो हमारा एनवा टर्म है वन अपॉन एन, तो एन प्लस वन वहां कौन होगा, वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन एन प्लस पी, यू एन प्लस पी होता था ना, इनका जो सम होगा वो सम लेस देन कितना होगा एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन ठीक। तो एक चीज गौर करो, आपने लिखा एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, तो n या तो m से बड़ा होगा और या तो m के बराबर, यह घटना घटित होगी होगी, तो क्या पर्टिकुलरली n और m को बराबर बराबर कर सकते हैं कि नहीं, लिखना इन पर्टिकुलर, इसी बात को पर्टिकुलर लिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर इफ यदि n इज इक्वल टू m एंड p इज इक्वल टू m, पर्टिकुलर में अगर n बराबर m हो और p बराबर m हो, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब आप nवें टर्म के बाद टोटल p टर्म को ऐड कर रहे हो, तो हम कह दें हम nth टर्म के बाद टोटल कितने टर्म ऐड कर रहे हैं, m टर्म ऐड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है ठीक। p इज इक्वल टू m, ये कितना बन जाएगा, वन अपॉन बोलो n प्लस वन प्लस वन अपॉन n प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस वन अपॉन n प्लस p, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वन अपॉन n की जगह पर कितना भर लो m, एम प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस वन अपॉन, ये कितना है एन प्लस पी, तो एम प्लस एम दैट इज इक्वल टू कितना बन गया, टू एम बन गया। अब हम वहां पहुंच गए ना, जैसा सीक्वेंस हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इन्हीं पर इनपे अप्लाई करो, लिखना बट लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि वन अपॉन एम प्लस वन जो होगा लास्ट वाला टर्म देखना ग्रेटर देन वन अपॉन टू एम, इसी तरीके से वन अपॉन एम प्लस टू जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा वन अपॉन टू एम, सो ऑन वन अपॉन टू एम इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट इंप्लाइज दैट वन अपॉन एम प्लस वन प्लस वन अपॉन एम प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस वन अपॉन टू एम इज कंफर्मली, इनको भैया जोड़ो कितना एम अपॉन टू एम दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन कितना चुन वन बाई फोर, कम आया ये ज्यादा आया, और आपको क्या चाहिए था कम आना, हर एप्सिलॉन के लिए विच इज कंफर्मली ग्रेटर देन, या ऐसे लिखना डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई फोर, गड़बड़ा गया कौनसी क्राइटेरिया, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन ठीक। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, रॉन्ग, एंड समेशन वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट, हमारी कैसी होगी डाइवर्जेंट, नोट करें, इन्हीं पर इनको रोक देना, ये समझ में आया।